नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का साइबर हब सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो ट्रू 5G वेलकम ऑफर एक्टिवेट के बारे में कि आप कैसे जियो 5G वेलकम ऑफर एक्टिवेट करके अनलिमिटेड 5G डेटा यूज़ कर सकते हैं, वो भी अप टू 1 Gbps इंटरनेट स्पीड में। तो दोस्तों, जो लोग जियो का ट्रू 5G अनलिमिटेड डेटा यूज़ करना चाहते हैं लेकिन उनको वेलकम ऑफर नहीं मिला है, तो वो लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहिए क्योंकि आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको जियो का ट्रू 5G वेलकम ऑफर कैसे एक्टिवेट करना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में जियो का ट्रू 5G वेलकम ऑफर सिर्फ लिमिटेड कुछ पर्सन को ही दिया गया था क्योंकि जियो 5G अभी तक ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस सिटी में अवेलेबल है धीरे धीरे ये वेलकम ऑफर सभी यूज़र को मिल रहा है। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आपके पास जियो का 5G सिम है कि नहीं। अगर नहीं है तो नज़दीकी किसी स्टोर पर चले जाइए और अपने सिम को स्वाइप कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास एक 5G हैंडसेट है तो सबसे पहले आप सेटिंग्स में जाइए और अपने हैंडसेट का लेटेस्ट वर्जन अपडेट करिए। अगर आपका 5G फ़ोन लेटेस्ट वर्जन में अपडेट है तो आप अपने ऐप स्टोर में जाके माई जियो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। माई जियो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद एप्लीकेशन के ऊपर आपको ऐसा एक बैनर शो होगा, जियो वेलकम ऑफर। उसके नीचे शो होगा आई एम इंटरेस्टेड। आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इनकी बैकएंड टीम चेक करेंगे कि आपके पास 5G सिम है कि नहीं, 5G हैंडसेट है कि नहीं, और अगर इनको लगता है कि आप 5G एरिया में रहते हो तो फिर आपको जियो वेलकम ऑफर आपके रिचार्ज प्लान में मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन आपका रिचार्ज 239 रुपये से ऊपर का होना चाहिए। मैंने भी सेम प्रोसेस यूज़ किया था और प्रोसेस करने के एक दिन के बाद मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए नोटिफिकेशन मिल गया था कि मैं जियो वेलकम ऑफर के लिए एलिजिबल हूँ। अब इस सर्विस को यूज़ करने के लिए मुझे 5G इनेबल करना था। जियो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद एप्लीकेशन के नीचे एक बैनर शो हो रहा है ट्रू 5G का, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन अपग्रेडेड टू जियो वेलकम ऑफर, अनलॉक ट्रू 5G नाउ। अब 5G को अनलॉक करने के लिए गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना होगा। ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पे चेक प्लान के ऊपर क्लिक करना होगा। अब ये चेक करेंगे एक एक करके जियो वेलकम ऑफर, हैंडसेट 5G है कि नहीं, हैंडसेट सॉफ्टवेयर और 5G सेटिंग। चेक करते करते जैसे कि आप लोग देख सकते हो जियो वेलकम ऑफर ये ओके हो चुका है। 5G हैंडसेट मेरा ओके है, हैंडसेट लेटेस्ट वर्जन ये ओके है, लेकिन 5G सेटिंग नहीं है, तो 5G सेटिंग करना होगा। तो चलिए हम सेटिंग में जाते हैं। हम आ चुके हैं सेटिंग्स पे। इसके बाद हमें क्लिक करना होगा मोबाइल डेटा पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्शन जियो 4G है एंड वॉइस एंड डेटा LTE है। इसको चेंज करके 5G करना होगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन हो रहा है LTE, 5G ऑटो, 5G ऑन। तो हमें 5G ऑटो पे ही रखना है। 5G ऑटो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपको नीचे 5G स्टैंड अलोन इसके ऊपर भी आपको क्लिक करके इसको ऑन करना होगा। अगर आपका फ़ोन पावर सेविंग मोड ऑन है तो आप इसको ऑन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आपको पावर सेविंग मोड ऑफ करना होगा, तभी आप 5G स्टैंड अलोन को ऑन कर पाओगे। जब तक आप इसको ऑन नहीं करोगे आपका 5G एक्टिवेट नहीं होगा। सारे सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पे चारों चीज़ें ग्रीन हो चुकी है। 5G एक्टिवेट होने के बाद फिर से हमने जियो एप्लीकेशन ओपन किया, 5G ट्रायल, और इसका नेट अनलिमिटेड है। आप जितना मर्जी यूज़ कर सकते हो और आपको स्पीड अप टू 1 Gbps का मिलेगा। 5G एक्टिवेट होने के बाद जब मैंने 5G का स्पीड चेक किया तो मुझे मैक्सिमम स्पीड 550 Mbps/s मिला। ये 1 Gbps मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी कम रहता है, तो मुझे 400, 450, 300, मैक्सिमम 550 ही मिला है। तो दोस्तों, इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग जियो ट्रू 5G वेलकम ऑफर एक्टिवेट कर सकते हो और अनलिमिटेड 5G डेटा इस्तेमाल कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।